मगर तुम देखना चाहते हो मुझे बिग बॉस के अंदर दो। तो जिसको बाप मानते हैं मैं बाप को बोलूंगा तो उसके बेटे को तो तकलीफ होगी ना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, जब से एलवी यादव बिग बॉस घर के अंदर गए थे तब से अदनान 07 अपने इंटरव्यूज के अंदर एलवी यादव को नेगेटिव बोलकर एलवी यादव के नाम पर क्लाउड ले रहे हैं। एंड अदनान अपने बर्थडे वाले दिन एलवी यादव और उनकी आर्मी के लिए चूड़ियां गिफ्ट कर रहे थे। एंड उसके बाद से एलवी आर्मी अदनान 07 को इतना ज्यादा हेट दे रही है कि उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सो यहां पर अदनान 07 ने फिर से एलवी यादव और उनकी आर्मी के ऊपर रिप्लाई किया। उन्होंने रिप्लाई में क्या कहा है आप खुद सुनिए। सब नाजायज बच्चों को मैं जवाब देने तो जाऊंगा नहीं। अब जो जिसको बाप मानते हैं मैं बाप को बोलूंगा तो उसके बेटे को तो तकलीफ होगी ना। तो ये सब कुत्ते कुत्ते भोंकते रहते, शेर जब चलता है तो कुत्ते भोंकते रहते। तो मैं वो सब कुत्तों को सबको इंडिविजुअली सबको जवाब देने बैठा नहीं हूँ। मैंने इसलिए रखा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम्युनल और हेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, हमारे रिलीजन के लिए वो बोलता है। गाइस मुझे तो यही लग रहा है कि अदनान 07 चाहते हैं कि एलवी यादव उनके ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो निकाल दे ताकि अदनान को भी थोड़ी बहुत फेम मिल जाए। बाकी आप लोग अदनान 07 के बारे में क्या कहना चाहते हो अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस क्या एलवी यादव सच में बिग बॉस 17 के अंदर जाने वाले हैं? सो यहां पर एलवी यादव ने अपने ब्लॉग के अंदर अपनी ऑडियंस से ये पूछा है कि उनको बिग बॉस 17 के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। तो क्या करना चाहिए भाई? वो तुम देखो भाई, पब्लिक बताएगी क्या करना चाहिए बिग बॉस 17 में। गाइस इसके ज्यादा कमेंट हुए ना वो होगा, पर ये याद रखना कि बिग बॉस 17 बहुत लंबा होगा, मतलब फॉर्मेट 3-4-5-6 महीने भी खींच सके और टीवी पे आता ना वो। मगर तुम देखना चाहते हो मुझे बिग बॉस के अंदर दो है ना भाई, बताना कमेंट करके, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए ना कि आप देखना चाहते हो हमें नहीं देखना चाहते बिग बॉस 17 में। तो लाइक कमेंट करके गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि एलवी यादव को सच में बिग बॉस 17 के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं? अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।